वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन में जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखे हैं उसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन रहेगी, एक तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म से आपको क्या बनाना है, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इक्वेशन को सोल्व करके आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आपके पास कोई एक नंबर दे रखा होगा जो हमें अभी पता नहीं है, उसमें से आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2। ठीक है, कोई सा नंबर है, हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और उसको जो रिजल्ट आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ठीक है, सो यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो हमें बताना है कि वह नंबर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूँ, जब भी आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करें तो हमेशा आपको नंबर यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा, एक बार भी नंबर आपको गिवन नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, हमेशा सॉल्यूशन में लेट करना है। लेट क्या करेंगे आप, लेट द नंबर कितना हो जाएगा एक्स, हमेशा आपको नंबर को लेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप नंबर पता नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसे हम लेट करके बोलेंगे। अब आप लिखेंगे, अगली स्टेप में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन जो जो बोल रहा है आपको करते जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मैं 1/2 को क्या करूँगा, नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो नंबर क्या है मेरा, एक्स है, एक्स में से मैं क्या करूँगा 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलते रहना है। जैसे यहाँ तक हमारा हो चुका है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर ही हमने कर दिया। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या, रिजल्ट मतलब जो आपने माइनस कराया था, एक्स माइनस 1/2 ही हमारा रिजल्ट है, इसमें मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। ठीक है भैया, हम रिजल्ट को क्या करते हैं 1/2 को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यू गेट, यू गेट मतलब हमें मिलेगा, तो गेट मतलब क्या होगा इक्वल, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा, मतलब इक्वल का साइन लगाएंगे 1/8, तो क्या मिलेगा हमें 1/8। सो स्टूडेंट्स ये हमने बना ली, हमारी लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे सोल्व करके सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं मैंने कल एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना कैसे लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं, और मैं भी बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व करते हैं। अब हमें यहाँ से सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा नंबर पता चल जाएगा कि नंबर क्या था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कैसे सोल्यूशन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू जो भी यहाँ पर है, और ये क्या है एक्स माइनस 1/2, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर 1/8 इसको हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो तीन तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, और कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 में, देखिए अपॉन में क्या है 2 है, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मैथमेटिक्स का रूल क्या होता है कि कोई डिवाइड में होता है, यहाँ पर 2 डिवाइड में, 1 के डिवाइड में भी एक्स माइनस 1 मतलब यहाँ पर क्या है ब्रैकेट फॉर्म है, तो इस 2 को डिवाइड का इक्वल टू के उधर पहुंचाएंगे तो वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 2 आपका यहाँ से मैं क्या करूँ इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा, तो आप क्या हो जाएगा वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 8। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये गलती मत कर देना कि ये 2 को भी आप इधर पहुंचा दो, नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर अब 1 के अपॉन में है, ना कि एक से के अपॉन में, और ये जो 2 था ये पूरे अपॉन में था क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, और ये 1/2 था, आप इसको इक्वल टू के इधर पहुंचा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 आप नहीं पहुँचा पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या अलग अलग डिजिट है, और मैथ से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 4 = 8 होता है, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो क्या बनेगा एक्स माइनस 1/2 = 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंपल सी तरीका है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो माइनस 1/2 है सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना, माइनस 1/2 का इक्वल टू के इधर लेके आ जाइए, तो आप एक्स अकेला बच जाएगा और एक्स की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू 1/4 अपने प्लेस पे इक्वल टू के उधर, देखिए 1/4 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एक्स अपने प्लेस में, माइनस 1/2 को मैं उठा के इक्वल टू के इधर लाऊंगा, तो हमेशा ध्यान रखना साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 1/4 + 1/2। ओके, एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए 1/4 + 1/2 को कैसे सोल्व करेंगे हम, तो देखिए जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम हमेशा 4 आएगा। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट में ट्रिक एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें एलसीएम लेना बता दूंगा कि ऐसे डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 4 और 2, फिर क्या करेंगे वही 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 + 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, तो 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो आंसर आएगा 2, जो आंसर है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ओके स्टूडेंट्स, सो इक्वल कर देना, इसका आंसर आएगा 3/4।
क्यों, वन प्लस टू थ्री और फोर। सो आपकी एक से वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है, जो हमारा नंबर था वो कितना है, 3/4 है। ये ऐसे हमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस क्या करना है, सोल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके।